वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। गाइस वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत अच्छे हो गए। सगाई दिन की शुरुआत हो चुकी है। जप्पू बोल चुका है, मम्मा को बोलने नहीं दे रहा था। मैंने कहा जप्पू ही बोल लेता है। यस इंट्रो गाइस मेरा। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम दोनों सो के उठ गए हैं। जप्पू का ब्रेकफास्ट बना के मैंने रख दिया और यहाँ पे जप्पू का दूध भी बना हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगी क्लास, मुझे रेडी होना है। चले पीछे से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मुँह मत बनाया कर मुझे देख के। बस दो चार दिन क्लास जाना है, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास हो जाएगी 10 दिन के लिए। क्यों? मैम ने भी जाना ना घूमी घूमी। मैम बहुत तेज हो रही हूँ मैम। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। मैंने किचन जो है वो पूरी क्लीन कर दी है और जप्पू का ब्रेकफास्ट बना के रख दिया। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, फिर मैं जाऊंगी क्लास। सो गाइस मैं रेडी हूँ, मेरी वाटर बॉटल रेडी है, मेरा हैंकी रेडी है, मेरी जपना को बाय कर देते हैं। बाय बाय। ब्रेकफास्ट कर लियो, ठीक है, मिल्क भी पी लियो। अब मैं जा रही हूँ, आके मिलूंगी देर से, ठीक है? ओके, आके तो लेट नहीं आपने। नहीं लेट ना, काम करूंगी आके। पक्का? पक्का गाइस, कल ना आपने 2:30 में काम शुरू किया था। आलसन हो गई हूँ मैं। 25, 26, 27, 28, 29 and 30. So guys, exercise हो गई मेरी। अभी मैं घर पे आ गई हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ। अभी अभी नंदिनी भाभी की कॉल आई है, वो कह रही तू चढ़, मैं तेरे पीछे ही हूँ। मैं भी आ गई। So finally बहुत ही टाइम के बाद भाभी आज घर पे आई है। गाइस अभी आप हमें बात चुकी है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, फॉलो कर लो गाइस, फोटो कर लिया गाइस आपको। और गाइस आप आते काम तो नहीं करते, मेरे को पता है। फ्रेश तो कर रहा हूं, 5 मिनट लेटूंगी। नंदिनी भाभी की कॉल आ रही है, नंदिनी भाभी नीचे आ रही है। भाभी आ रहे हैं गाइस, आपने भाभी ने प्रॉमिस किया था ना ट्यूसडे को आ रहे हैं। अभी ट्यूसडे और भाभी आ गई। यस आप ये वेडनेसडे को देख रहे होगे, पर ट्यूसडे को आई है भाभी। आई है भाभी, मीडिया मारेगा। So guys, ये देखो भाभी आ चुके हैं अपना वादा निभाने। हेलो गाइस, हेलो, फॉलो कर लो गाइस। और गाइस भाभी पूरी येलो येलो सूट पहन के आई हैं। बड़े दिनों के बाद मम्मा मिल रहे पापी से, आइए बैठिए। बड़े दिनों के बाद डॉगी को छोड़ के आई हूँ। कैसा जप्पू? बढ़िया। ये लो गाइस, आ गई है हमारी महारानी साहिबा। भरजाई देख ला, तुसी आंदे नहीं ना, सारे पुछदे भरजाई क्यों नहीं आंदे। मेरी बात सुनो, वो ये वो लोग सोचते हैं जो जिनको ये होता है कि भाई मिलने से ही सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फोन पे भी सब कुछ हो जाता है, फोन पे भी बातें होती है। भाभी मेरे से लड़ती नहीं है। टाइम ऐसा होता है कि कई बार किसी के घर की कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाता, मजबूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई उसका झगड़ा ही हुआ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए नहीं, सब ये नहीं बोल रहे थे कि झगड़ा हुआ है, सब ये पूछ रहे थे कि भाभी आ क्यों नहीं रही। पर आ क्यों नहीं रही इसका रीजन ही समझते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अब फाइनली भाभी आ गई है। आई पता नहीं कितनी देर के लिए, पर आ गई है, इतना पता है ना। डॉगी को छोड़ के, इसकी खुशियाँ देखो, इसकी खुशियाँ देखो जरा। मैं डॉगी छोड़ के आई हूँ सिर्फ इसी मुँह दिखाने कि कोई ये ना कहे कि मैं आती नहीं हूँ। अब उसको थोड़े दिन बाद भेजने वाली हूँ। अच्छा भेज दोगे उसको? शायद, उम्मीद पूरी है। भाभी खुद परेशान है, भाभी खुद परेशान है। So guys, मैंने अभी नहा लिया है। जैसे ही अभी मैं नहा के निकला और मेरे को इतनी भूख लगी है, मैं खाऊंगा पनीर का ब्रेड। भाभी खाओगे? 2 है, 1 खाओ लो। भाभी कोई अंडे वाला खाऊंगी। भाभी को तो यही डर है कि अंडे वाला ना, अंडे वाला, अंडे वाला होता नहीं भाभी, वो होता है बस पनीर है। खा लूंगी एक टुकड़ा, चलो।
सो गाइज अभी मैं घर की सफाई करने लगी हूँ और लंच भी साथ ही बनाना है। रात के लिए ना मैंने राजमा भी घोल दिए हैं कुकर में और अभी बनाएंगे लोबिया। लोबिया राजमा के बच्चे लोबिया हम कहते हैं, राजमा के बच्चे। तू कहता, मैं तो नहीं कहती। राजमा के बच्चे बनाएंगे अभी दोपहर को। राजमा के पापा राजमा बनाएंगे। भाभी बोलती तू सफाई कर ले, मैं मसाला कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे भाभी मुझे लगता है अपने तरीके से बनाएंगे। भाभी प्याज कट कर रहे हो? कितने प्याज लिए? एक बड़ा, एक के दो? एक बड़ा प्याज लिया है भाभी ने। यहाँ पे बारीक बारीक कट कर रही है। अदरक लहसुन भी बीच में मुझे लगता कट करेंगी। टमाटो की प्यूरी बनाओगे? कद्दूकस। टमाटो कद्दूकस करेंगे। आप बना रहे हो रात में लोबिया? भाभी कहेंगी मैं अच्छी आई हूँ इनके घर पे। काम तो सभी जगह करना, अपने घर नहीं करना। काम तो सभी जगह करना। मैंने भाभी को बोला था मैं बनाती हूँ। भाभी कहती तू सफाई कर ले, मैं बनाती हूँ। कोई ना, अपने घर अपने हाथ का खा खा के बोर हो गए थे, आज भाभी के हाथ का खाएंगे। जब पू वैसे भी भाभी के हाथ का खा, बड़े दिन से गाइस खाया नहीं था। इसको वैसे भाभी के हाथ का ज्यादा पसंद है। चलो यार, हमारी अब वेली बातें होती रहेंगी जब तक भाभी यहाँ पे है। मैं फटाफट सफाई कर लेती हूँ। सो गाइस खाना रेडी है, राजमा के बच्चे और चावल। जब्बू देख रहा है। तो भाभी और मैं करने लगे हैं लंच साथ में। जब्बू भी, जब्बू को नहीं देंगे, जब्बू ने भी ब्रेकफास्ट किया। सो गाइस भाभी जा रही हैं। बाय बाय भाभी। बाय बाय, फिर जल्दी आना। अब जल्दी आना, जल्दी आऊंगी। ओके ओके, बाय। रुक रुक जो, थोड़ी देर और डॉगी को खाना देना है। ओके बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जप्पूज व्लॉग। सो गाइज अभी ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। मैंने नहा लिया था, मैं रेडी नहीं हुई क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता आजकल रेडी होने का। मेरा दिल करता है ऐसे ही रखो अपने फेस को ना। तो अभी बच्चे जा चुके हैं। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, फिर बारिश भी हुई, थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ, आज बनाऊँगी राजमा की सब्जी। सो गाइज मैंने एक बड़ी कटोरी राजमा लिए थे। उस राजमा को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। बॉईल करने साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया है। और ये मैंने लिया है राजमा की सब्जी के लिए मसाला। बैक कैमरा से दिखा देती हूँ क्या क्या कितना कितना लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, तीन प्याज मीडियम साइज के, पांच टमाटर। सबकी करेंगे प्यूरी, टमाटोज की अलग से करेंगे, इन सबकी एक साथ कर लेंगे। सो गाइज मेरी दोनों प्यूरीज रेडी हैं। इसके अंदर अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, और इसके अंदर टमाटोज। और यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो रहा है। सो गाइज मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। तो मैंने इसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। हल्दी, लाल मिर्च कलर वाली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और काली मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर राजमा के अंदर मिक्स कर दूंगी इसको मैं। सो गाइज अभी मेरी सब्जी बन चुकी है। जप्पू गया है नीचे, उसको एक्चुअली ना मार्केट से प्याज व्याज लाने थे, ख़त्म हो रहे थे। मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए जप्पू गया डुगू के साथ। तो अभी सब्जी वब्जी लेके वो लोग नीचे आ गए हैं और मेरी भी सब्जी बन गई है, बस प्रेशर खुलना है। सो गाइस अभी पापा आ चुके हैं और आते ले हैं ऑनियन, क्योंकि मम्मी ने लिस्ट भेजी थी ये सामान लेके आना। तो गाइस आज तो मेरे को दोनों टायरों के बिना भी चलानी है। 50 की तीन है ना, है ना पापा? मेरे को दोनों टायर के बिना चलानी आ गई ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस मैंने ना व्लॉग रात को एंड नहीं किया था क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, तो इसलिए सो गए थे रात को हम सब जल्दी। तो अभी मैं व्लॉग भी एंड कर देती हूँ और आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है ना। अभिषेक जोशी, आरती भट्ट एड्रेस प्लीज सेंड। सॉरी यार, हम किसी से बिना पूछे किसी का एड्रेस किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, ना ही किसी का एड्रेस, ना ही किसी का फ़ोन नंबर। अगर उनकी मर्जी होगी तो आप लोग उनको इंस्टा पे मैसेज करो, सीधा DM करोगे तो अगर उनका दिल होगा तो वो आपको दे देंगे। पर प्लीज़ सॉरी, हम नहीं कर सकते ऐसे, ना तो हम किसी का एड्रेस ना ही फ़ोन नंबर कुछ भी रिवील नहीं कर सकते। सिमी बबूता, यस डियर, इसलिए तो अच्छे लगते हो, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है। व्लॉग देखकर थोड़ी मस्ती, घर का काम, किचन में यम्मी यम्मी खाना, ट्यूशन सब अच्छा लगता है, कभी बोरिंग नहीं होती व्लॉग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अश्मीत कौर, अरमान मलिक लगता है फॉलो कर रहा है आपको, आप देहरादून गए वो भी प्लेसेस भी सेम है, विजिट हो रही है। ओ माई गॉड, हम जैसे लोगों को भी कोई फॉलो करता है, कोइंसिडेंस होता है और कुछ नहीं है। रीटा बरकता, शॉर्ट्स एंड वीडियो, जप्पू और गोला एक जैसे हैं, गोला बहुत क्यूट है, जप्पू के जैसा गोला भी छोटा है, बड़े होकर जप्पू बनेगा। है तो वो गोलू मोलू, जब जप्पू छोटा था ना तब जप्पू भी सेम ऐसा गोलू मोलू था,
अभी देख लो, है तो अभी भी गोलू मोलू ही है वो, देखो पीछे लगा हुआ। सुबह सुबह उठते ही टैब में स्टार्ट हो जाता है और इसको कोई काम नहीं है। जब आपके व्लॉग देखते हैं ऐसा लगता है हम आपके साथ ही हैं। ऑब्वियसली यार आप लोग हमारे साथ ही हो। YouTube है सच्चे लोगों के लिए बना है, लोग इंटेलिजेंट है, सब पता चलता है कौन सच बोल रहा है कौन फेक। हम भी उसी को देखते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। वैसे सब लोग बिजी होते हैं बट जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके लिए टाइम निकाल लेते हैं। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दी सोनिया कौर। हेलो, मैंने कहा था आपसे अगर ग्रीश आएंगे तो बताना ज़रूर, मैंने आज आना था फतेहनगर बट आपने नहीं बताया। यार हमारे पास आपका पर्सनल डाटा थोड़ी है जो हम आपको बता सकते हैं। और वो लोग वो इतनी नाइट में आए हैं, रात को 12 बजे और सुबह उठे ना हाथ धो के ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, तो हम किस किस को बताएं, ऐसे थोड़ा ना अपडेट दे सकते हैं। उनकी मर्जी, अगर उन्होंने मीटअप करना होता ना तो वो पहले से अपडेट दे के आते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते ना ही किसी को मिलवा सकते हैं। उनकी मर्जी होती है तो वो मिलेंगे भी आपसे और आपसे मीटअप करेंगे तो वो आपको वहां पे बुलाएंगे। पर्सनल डाटा किसी के पास किसी का नहीं है। ममता बिष्ट, हरलीन मैम आपके और ग्रीश सर के बीच सब ठीक है ना? बुरा मत मानना, ऐसे ही पूछा बस, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं पहली बात तो सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे और उनके बीच सब कुछ ठीक है, हम लोगों के बीच क्या ही बात होगी, कुछ भी नहीं है। बस ये था कि रात को 12 बज गए थे ना तो सुबह से थकावट हुई होती है तो अब मस्ती के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अब सुबह सुबह उनको जल्दी थी, उनको निकलना था तो मैं किचन में थी, फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया और क्योंकि उठे रात को लेट सोए तो सुबह भी लेट ही उठे थे, बस सीधा ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वो चले गए। इतना टाइम ही नहीं मिला मस्ती व्लॉग में दिखती। रात को हम लोगों ने काफी देर तक बातें करी थी बट व्लॉग में दिखाने वाली मस्ती ऐसी कुछ भी नहीं हुई उस दिन। तो जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। रितिका अरोड़ा, आज के व्लॉग में आपने कोई नोकझोंक नहीं करी ग्रीश भट्ट के साथ, मैंने बता दिया, जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नोकझोंक भी दिखेगी, सब कुछ दिख जाएगा। सुनीता राजपूत दी, आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, दिन बन जाता है, थैंक्स अ लॉट। यार भैया नहीं दिखे, उनकी आवाज आई जब आप कमेंट्स रीड कर रहे थे। भैया से मेरी लिटिल बिट छोटी मोटी सी लड़ाई हो चुकी है इसलिए भैया नहीं दिख रहे, व्लॉग मैं बना रही हूँ, जब मेरा सॉर्टेशन हो जाएगा उनके साथ तो वह व्लॉग में फिर से दिख जाएंगे आपको, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की छोटी छोटी लड़ाई तो चलती रहती है ना, है ना, वो सही हो जाएगी ना, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वो फिर से व्लॉग में दिख जाएंगे आपको। हमजा जुबेर अहमद दी, आप बॉयल एग को भी फ्राई कर लिया करो बट बहुत टेस्टी बनता है एग करी फिर, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही ट्राई करूंगी। अंजनी खयात, आंटी ने बोला क्यूट बच्चा है जप्पू। आंटी को जप्पू के बारे में लोग पूछ रहे थे, जप्पू तो फेमस हो गया भाई, जप्पू तो देख ही नहीं रहा, फेमस हो जाते हैं ना लोग फिर वो देखते भी नहीं है। इंडियन व्लॉगर अनंतिका, बहुत अच्छा व्लॉग था दीदी, कमेंट पहले भी किए आपको मैंने, आपने रिप्लाई नहीं किया कभी, ऐसा हो नहीं सकता यार, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा या आपने कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया होगा। काफी टाइम से आपके व्लॉग देख रही हूँ, अंकल जी का मुझे बहुत दुख हुआ था जब उनकी डेथ हुई थी, वो इंसिडेंट ही ऐसा होता है यार कि वो देखा नहीं जाता। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो यही थे गाइज आज के कमेंट्स और बाकी सब ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, सब खुश होते हैं हम लोग जब आपस में मिलते हैं, तो थैंक्स अ लॉट सबको, थैंक यू सो मच। तो ठीक है मैं अभी कर देती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं टाटा बाय बाय। और हाँ यार मेरी और डुगू की जो लड़ाई हुई है ना वो सही हो जाएगी, है ना, कोई भी हस्बैंड वाइफ और कोई भी कपल ऐसा नहीं होता जिसकी लड़ाई नहीं होती, हो गई हो जाएगी सही, है ना। तेरे को क्या हुआ? वो पापा वाइट सीमेंट लगा रहे हैं ना, रॉड गिर गई कर्टेन की, तो डुगू वहाँ पे वाइट सीमेंट लगा के उसको सेट कर रहे हैं ऊपर, मैं नीचे हूँ, नीचे का काम करेंगे, बर्तन धोने वाले। चलो ठीक है गाइस, अगले व्लॉग में करेंगे अब आपसे बात, टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.